यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, स्कूल के डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम, स्टाफ मेंबर्स, टीचर्स, यहाँ पर आए हुए सभी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों को जिनको यहाँ पर प्राइज़ मिला। स्कूल का इतना अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पर देखने को मिला कि उन्होंने न केवल स्कूल का बल्कि जयपुर शहर का नाम पूरे देश में रोशन किया। आईआईटी में इतने बड़े नंबर में स्टूडेंट्स का सिलेक्शन, न केवल एकेडमिक बल्कि स्पोर्ट्स में स्विमिंग, टैकांडो, हर तरह की एक्टिविटीज़ के जो रिज़ल्ट यहाँ देखने को मिले हैं, मेरी ओर से सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई और उनसे जुड़े हुए सभी टीचर्स और स्टाफ मेंबर्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन उससे भी ज़्यादा शुभकामनाएं, उससे भी ज़्यादा गुड विशेज उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब प्राइज़, जो आगे आने वाले समय में प्राइज़ जीतने वाले हैं या कुछ अच्छा करके दिखाने वाले हैं। ये यहाँ पर शुरुआत है आपकी, एक हो सकता है इस बार कुछ थोड़ी मेहनत की कमी से, कहीं कुछ कमी से आप प्राइज़ लेने से वंचित रह गए हों, लेकिन आपके 100% एफर्ट्स निश्चित रूप से आपके जीवन में ज़रूर सफलता लेकर के आएंगे। ये मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये स्कूल जैसे लगातार आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा रहा है, मैं आपके स्कूल में भी जा कर के आई हूँ और उसके बाद जब यहाँ बिल्डिंग देख रही थी तो डायरेक्टर सर ने कहा कि आप जब जा कर के आई थी उससे चेंज हो गई है, बिल्कुल बदली हुई लग रही थी, बहुत नई, बहुत अच्छी लग रही थी। और जो रिजल्ट्स हैं उसके लिए तो हम ये कोशिश करेंगे, यही शुभकामनाएँ देना चाहेंगे कि ऐसे रिजल्ट्स और ज़्यादा आगे आते रहें, बढ़ते रहें। शिक्षा की जब हम बात करते हैं, एजुकेशन की जब हम बात करते हैं या स्कूल के बारे में हम बात करते हैं, तो मेरा यही मानना है स्कूल एक प्रयोगशाला है और यहाँ पर नित नए आविष्कार होते हैं और वो आविष्कार दुनिया में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये प्रयोगशाला अपडेटेड रहे, लगातार आगे बढ़ती रहे, इसमें नित नए सुधार, नई ज़रूरतें हमेशा पूरी होती रहें और यहाँ के स्टूडेंट्स को हमेशा गर्व रहे कि हम सेंट एडमंड स्कूल से निकले थे और वो इस स्कूल का नाम गर्व से ले सके। यही मेरी ओर से आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और ये तालियां हो सकता है स्पीच ख़त्म करने के लिए हो, क्योंकि जब ऐसा कल्चरल प्रोग्राम हो तो सबसे अच्छा चीफ गेस्ट वही होता है जो सबसे कम शब्दों में अपनी बात कह दे। और मैं निश्चित रूप से सबसे अच्छा नहीं तो सबसे ख़राब भी नहीं बनना चाहूँगी, इसलिए आप सबको एक बार फिर ऑल द बेस्ट, थैंक यू।